ये वाला व्लॉग आपने देख लिया होगा, आई नो कि आपने देख लिया होगा। और ये व्लॉग मतलब आपके लिए परसों, मतलब एक रात पहले ही मैं शूट कर रहा हूँ। ये अभी रेंडर पे लगाया हूँ और यहीं से सोचा कि नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट कर दे रहा हूँ। तो आज मैंने, जैसा कि आप इस व्लॉग से पता चल गया होगा कि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, फिर भी मैंने इस व्लॉग की एडिटिंग की है और अब मैं जा रहा हूँ सोने, क्योंकि टाइम क्या हो रहा है, टाइम 8:30 हो रहा है। देखो 8:30 हो रहा है और उस व्लॉग से आपको पता चला होगा कि मैं 7:51 पे मैं उस व्लॉग को स्टार्ट किया था। और 8:30 हो रहे, मैंने डिनर कर लिया अपना और बहुत जल्दी जा रहा हूँ सोने और बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। फिर सुबह उठ के रनिंग करना है, कोचिंग करना है, पढ़ना है और आज तो मैं बिल्कुल पढ़ नहीं पाया हूँ। तो यहीं से व्लॉग स्टार्ट कर दिया हूँ और कल उठते देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। और अगर आप डिमांड करोगे कमेंट सेक्शन में मेरे से, तो रूम टूर दे दूंगा, बिकॉज ये गवर्नमेंट रूम है और रूम टूर देने में मेरे को थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही है। अगर आप डिमांड करोगे तो मैं दे दूंगा। और ऐसे ही थोड़ा सा कट पिट करके इसे कैमरा करके मेरे को व्लॉगिंग करना पड़ता है, वरना तो मैं एकदम फ्री होकर व्लॉग करता। तो वैसे चलो स्टार्ट करते हैं इस व्लॉग को, पूरा देखना और कल सुबह उठ के आपसे मिलता हूँ। तो गाइस, जो आपने वीडियो देखा वो अब मैं शेड्यूल कर रहा हूँ, तो आप कल देख चुके हो और इसे मैं शेड्यूल कर दे रहा हूँ। अब 9:30 बजे मेरी सारी की सारी वीडियो 9:30 बजे आएंगी। ये वीडियो शेड्यूल हो चुका है। The next day. Hey guys, good morning. तो सुबह को रे 5:59 मतलब 6 बजने वाले हैं और हम उठ गए, अब जा रहे हैं रनिंग करने। रनिंग करने से पहले रविंद्र भैया को जाऊँ, थोड़ा देखूँ कहाँ रह गए, तो चलते हैं। और बलवा मेरा पता नहीं क्या है, इससे आज रात को हो गया है, फेस वॉश वेस वॉश करके जा रहा है। फिर अच्छा हो रहा है, मैं दिखाता हूँ। हेलो, बात बताए भैया, आजकल के जो मच्छरवा हैं सब इतना तेज हो गए हैं, हम तो सोच रहे हैं उन सबको हीट मारते उनके ऊपर, तो सोच रहे पता नहीं क्या लेट जाते हैं कि बेहोश होते क्या होता है, फिर 5 मिनट झाड़ झूड़ के रेडी है यार, चल वापस। अरे यार, हम दोनों सुबह सुबह बगल वाले मंदिर पे, और हमें पुलिस स्टेशन में एक मंदिर है वहाँ पे जाते हैं। तो अभी भाई मंदिर पे जाएंगे, फिर उसके बाद रनिंग करने जाते हैं। तो स्कूल के ग्राउंड में आ चुका हूँ और 2-4 सिनेमैटिक निकाल लिया मैंने, तो सिनेमैटिक देखो अच्छा लगे तो बताना मुझे। अब रनिंग करते हैं थोड़ा सा वार्म अप करके, क्योंकि कई दिनों से रनिंग नहीं किया हूँ और मैं सूज तक नहीं पहन पा रहा था। आज बड़ी मुश्किल से टेप मार के, कॉटन लगा के उसके ऊपर टेप मार के फिर शूज पहना हूँ, बिकॉज पैर कटा हुआ है मेरा। तो आज रनिंग करने का ट्राई करता हूँ, पहले वार्म अप कर लूँ अच्छा वाला, टाइम लैप्स इन्जॉय करो। तो गाइस, नहा के रेडी हो चुका हूँ और अब चलते हैं मंदिर। तो मंदिर चलते हैं, फिर दिखाते हैं। और वो मंदिर मैंने एक वीडियो में फीचर कर रखा है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, इस वाली वीडियो में मैंने फीचर किया था, इसका लिंक आई बटन में इधर कहीं आ रहा होगा, तो देख लेना। तो चलते हैं मंदिर, फिर वहीं पे आपसे मिलता हूँ। Thank you.
यहाँ से निकलता हूँ और मेरे घर से ये लगभग 5 किलोमीटर दूर है, तो अब निकलते हैं, फिर घर जाते हैं और एक और मंदिर पे जाना है, तो वो मेरे से ज़्यादा दूर नहीं, मेरे बगल में ही है, बस चलते हैं वहाँ पे। जय माता रानी, एक बार ऐसे देख लो आप लोग एक फ्रेम में। मंदिर से आके छत पे आया हूँ और अब जा रहा हूँ थोड़ा ब्रेकफास्ट करने। गाइस चल रहे हैं चौराहे पे मेडिकल स्टोर, एक आई ड्रॉप लेना है, तो आँख में जलन हो रही है तो सोचा एक आई ड्रॉप ले लूँ, बस सही हो जाएगा। तो हम मेडिकल शॉप जाके भी आ गए, मेडिकल शॉप बंद है और उनको कॉल भी मैंने किया लेकिन कॉल वो पिक ही नहीं किए, बाद में कभी जाएंगे फिर। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 1:20 और मुझे 1:45 से घर से जाना है क्योंकि 2 बजे से मेरा कोचिंग है, तो बस इंतज़ार कर रहे हैं और कुकर का सीटी बज रहा है बिकॉज चावल बन रहा है, तो दाल चावल खा के मे बी, दाल चावल वैसे तो मैं खाता नहीं, मन करेगा तो खाऊंगा, वैसे नहीं तो मैं बनाना खा के मैं चला जाऊंगा कोचिंग, फिर कोचिंग से 4:30 बजे आऊंगा, फिर उसके बाद जो कोचिंग में पढ़ाया जा रहा होगा उसका रिवीजन, तब कोचिंग में आज भी मस्ती होगी। और आज तो बाय द वे आज डॉक्टर आएगा पिक करने, तो आज उसी के साथ जाना है, कोचिंग जाना है और कोचिंग है मेरा लगभग 2.5-3 घंटे का, तो उसके लिए सोचा कि नींबू पानी बना लूँ, तो चलो नींबू पानी पहले बनाते हैं उसके बाद कोचिंग चलेंगे आराम से। तो पहले नींबू पानी प्रिपेयर करता हूँ, सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने जुटा लिया है, ज़्यादा क्या पानी चीनी नींबू, तो नींबू पानी बनाने के लिए जो जो मुझे चाहिए वो सब मेरे पास है, तो पहले बॉटल में डायरेक्ट चीनी डाल लेते हैं, जितना चीनी चाहिए उतना पहले डाल लेता हूँ, थोड़ा सा मैं चीनी ज़्यादा मतलब यूज़ करता हूँ, ज़्यादा मीठा पसंद करता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा चीनी डाल रहा हूँ और थोड़ा। आज बस बैग में पहले से ही मेरे फिजिक्स की बुक और नोट्स हैं, गोरिल्ला पॉड ले जाना है आज और नींबू पानी, बस डॉक्टर का वेट करूं और शॉर्ट्स पहना हो तो थोड़ा सा ट्रैक पैंट वगैरह डाल लूं, दैट्स इट। ओ भाई फाइनली डॉक्टर आ गया है और अब जा रहे हैं, झुलसा देने वाली धूप, झुलसा देने वाली, ये मैं ले लूँ ताकि गर्मी ना लगे कम लगे, और ये रहा डॉक्टर, चलो चलाओ चलाओ हम चलाएंगे, मैं एक मिनट अपने आप को कवर करूं पहले अच्छे से यहाँ पे खड़ा करके। एक तो मैं पागल टीचर हैं, डॉक्टर तुम्हारा क्या कहना है यार इस टाइम पे कोचिंग पढ़ने के लिए, ना के बराबर, मतलब इस टाइम पे कोचिंग है यार, बाहर का मौसम मैं दिखाता हूँ, चलते हैं पहले इसको रिफ्यूलिंग कराते हैं, फ्यूल तो है यार, मैं स्लीपर में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरा पैर कटा हुआ है और इस टाइम पे कोचिंग, ओ भाई हमसे ना बर्दाश्त हो पाएगा, और आधा इधर से सर दिख रहा है मेरा, चलो चलते हैं टूर पे। जय हिंद दोस्तों, तू भी कहेगा निकल लौड़े पहली फुर्सत में निकल।